वो नमस्ते मैं सीए संकल्प स्वागत है आपका इस चैप्टर में जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन गारंटीड छ मार्क के लिए वो भी एमसीक्यू फॉर्म में या तीर फॉर्म में आ सकता है आपके एग्जाम में और सर इसमें तो हमने सुना है दो तीन कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं सर जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यस यस बिल्कुल सही सुना है देखना आपको हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैसे मस्त में प्रेजेंट किया है

एंड कैसा चल रहा है ये रिवीजन सेशंस ये भी बताना है सो एवरीथिंग ऑल अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड एवरीथिंग इंक्लूडेड आप लोगों के साथ में ये चीजें शेयर कर रहा हूं ठीक है नोट्स मैंने बोला टेलीग्राम चैनल पे सब चीजों का मिल जाएगा एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स क्या बोलता है पब्लिक डन अच्छा मैंने क्या किया मैंने आप लोग को यहाँ पे एक एक चीज अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है मैं अभी जो एमसीक्यूज देख रहा हूं अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं अगर सीधा सिक्योरेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन पे जाऊंगा तो वो गलत हो पहले मैं सिक्योरेटाइजेशन आपको लॉजिकली समझाऊंगा वो समझ गया फिर कॉन्सेप्ट फीचर्स बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे एंड थिंग्स विल गो विद फ्लो जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं लिखवा दूंगा सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल टू यू एंड एटलीस्ट तीन से चार बार इसको एग्जाम के पहले रिवाइज कर लेना यू विल बी थ्रू ठीक है मैजिक बुक आप लोगों के पास सो वेल एंड गुड लेके बैठो कुछ नोट्स बनाना है प्लीज ये आदत रखो है कि भाई एक एक नोटबुक होना चाहिए साथ में लिखते जाओ तो आप लोग सबकॉन्शियसली हो जाएगा अदरवाइज आना पंद्रह मिनट बाद नींद आना चालू हो जाएगा ठीक है वो नहीं चाहिए अपने को तो लिखते जाओ लिखते, जाओ, लिखते जाओगे सबकॉन्शियसली सेव भी होगा खुद का लिखा हुआ तो इज ऑलवेज बेनिफिशियल ये तो याद ही रख लेना समझ ही लेना इस बात को तो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड उ द होल सिस्टम वर्क ठीक है बाकी एनीथिंग एल्स लेट वी नो एंड मिलते हैं अगले सेशन में विद्युस अभी सब 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 कवर है इसमें पूरा पूरा आपको मेरे ये लेक्चर कर लिया ना आप समझ लो आपका पूरा मॉड्यूल हो गया पूरा आईसीआई का मॉड्यूल हो गया उसके बाद आपको एक वर्ड भी करने की जरूरत ठीक है वही आपका कंफ्यूजन था डाउट था स्टार्ट करते हैं चलो अच्छा और एक चीज है काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ये लेक्चर्स कुछ कुछ होते जाते हैं उसके बाद पूछते हैं सर पोर्टफोलियो का रिविजन बहुत अच्छा लगा सर बट खाली मेरे को पोर्टफोलियो खरीदना है तो पॉसिबल है क्या द आंसर इज यस वी हैव स्टार्टेड इज वी हैव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज एज चैप्टर वाइज वाइज एंड फेज लेक्चर वेल ये नंबर पे कभी भी कॉल करो हमारा वेबसाइट है उस यू यू कैन विजिट एंड विल गेट ऑल द डिटेल्स कई स्टूडेंट्स है जो यार मजाक नहीं कर रहा हूं फॉरेक्स डेरेवेटिव ऑप्शन में छोड़ देते हैं ट्रस्ट मी गाइज डोंट डू दैट मिस्टेक मतलब फॉरेक्स तो आप लोग का एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि फॉरेक्स से कनेक्टेड है आई एफ एम फिर बाद में कनेक्टेड डेरेवेटिव और आई आर आर एम है तो क्यों करना है आपको मतलब ऐसा है तो आप फेज टू ले सकते हो खाली किसी को एंड चाहिए वो मिल सकता है बट डोंट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन मतलब मेरा होल इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग दिस इज ओनली सिंपल कि बस किसी को भी एक भी एक चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना चाहिए हर एक चैप्टर करके जाना चाहिए ढंग से बिकॉज यू नो वन कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्या आने वाला है अपने को एज अ स्टूडेंट वी शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग एज वेल और अभी तो एमसीक्यूज भी है तो कौन से चैप्टर कहा क्या कनेक्ट बैठेगा वी डोंट नो सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स आई होप आप लोग इसका बेनिफिट जरूर उठाएंगे मैजिक बुक अगर नहीं लिया है तो प्लीज मेरा सजेशन है मैजिक बुक ले लो इट इज हार्डली गोइंग टू कॉस्ट यू व्हाट टू नाइनटी नाइन रूपीज बट एग्जाम टाइम के लिए धूम मच जाएगा एंड आप लोग ने म्यूचुअल फंड्स है पोर्टफोलियोज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज सारे चैप्टर्स का मैं रिविजन मैजिक बुक से डाल रहा हूं एंड यू नो दैट यू नीड एवरीथिंग कंपाइल्ड एट वन प्लेस

तो गाइस सिक्योरिटाइजेशन को स्टार्ट करने के पहले समझना पड़ेगा कि यार ये सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है ठीक है ना मैं आपको लॉजिकली पूरा बता दूंगा सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन क्या है है एंड ट्रस्ट मी उसके बाद में ना ये बेनिफिट्स ऑफ डेफिनेशन पार्टिसिपेंट प्राइजिंग मैकेनिज्म ये सारी चीजें आपको एकदम इजी और हल्की लगेगी सो नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सिक्योरिटाइजेशन इन अ क्विक मैनर एंड एक बार वो क्लियर हो गया फिर बाद में चीजें automatically you will be able to remember a lot of things on your own सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि ये सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया सो so ये कॉन्सेप्ट आया बहुत सारे बैंक्स को एक इशू फेस करने लगे उससे सो so क्या होने लगा मैं आपको बताता हूं सपोज मेरा एक बैंक है सिटी बैंक जी हाँ मेरा एक बैंक है सिटी बैंक अब बैंक का मेन काम क्या होता है कैन आई से लोन देना एंड एट द सेम टाइम फिक्स डिपोजिट लेना फिक्स डिपॉजिट जो आपसे लेती है उसके ऊपर से उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया फाइव परसेंट बराबर है एंड जब कोई लोन लेने के लिए आता है तो उनको लोन दे दिया एट द रेट ये जो 3 का डिफरेंस है है यही तो बैंक कमा रहा वी ऑल ऑफ नो दैट कि भाई दिस इज बैंक प्रॉफिट सो आप जो डिपॉजिट करते हो दैट इज एट अ लोअर रेट वो ही पैसा लेकर लोन देता है बैंक बाकी लोगों को बट एट अ हायर रेट सो सिटी बैंक भी कुछ ऐसा ही कर रहा था अपने बैंकिंग प्रोसेस के हिसाब से सिटी बैंक भी ले रहा था फिक्स डिपॉजिट और लोन दे रहा था तो ऐसे करके सिटी बैंक ने अराउंड 500 हंड्रेड करोर जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं का लोन दे दिया लोगों को अब इस लोन में बहुत सारे लोन थे जैसे कि किसी को दे दिया होम लोन तो से फॉर एग्जाम्पल सौ करोड़ का उसने होम लोन दे दिया किसी को दे दिया ऑटोमोबाइल लोन तो उसको बोलते हैं अपन लोग ऑटो लोन तो उसे 200 करोड़ का ऑटोमोबाइल लोन दे दिया किसी को दे दिया बिजनेस लोन किसी को बिजनेस लोन की जरूरत थी किसी को दे दिया पर्सनल लोन तो अपन लोग चलो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट इसको दो सौ करोड़ का ये लोन अब कहीं भी जब लोन देते हो आप बैंक कभी भी लोन लोन देती है आप कभी लोन लेने जाओगे बैंक विल ऑलवेज आस्क फॉर अ सिक्योरिटी तो अब जैसे होम लोन वाला है होम लोन वाला बोलेगा यार मैं तुम्हारे को क्या सिक्योरिटी डू मेरे पास अगर पैसा ही होता उतना तो मैं खुद ही वो पैसे घर खरीद लेता तो बैंक क्या बोलता है अच्छा ठीक है ऐसी बात है बराबर है आपकी बात तो हम आपको एक सजेशन देते हैं आपका जो होम है ना वो आप हमारे पास मॉडगेज रख दो गिरवी रख दो सो दैट वॉट वी विल डू इज के आपको हमने लोन दे दिया कल उठ के कभी डिफॉल्ट किया आपने देन इन दैट केस वो जो आपका होम है वो हमारे पास आ जाएगा हमने बोला नो प्रॉब्लम लेट्स गो एट भाई ठीक है हक से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई जब तक मैं उनको पूरा पैसा ना दे दू तब तक उनके नाम पे रहने दो मॉडगेज रहने दो वो चीज एंड अगर मैंने डिफॉल्ट किया देन इन दैट केस दे कैन यूज इट सेम वे ऑटो लोन का होने लगा सेम वे बिजनेस लोन का होने लगा तो ऐसे करते करते बैंक्स ने बहुत सारा लोन देना चालू कर दिया और इंडिया का एक्चुअली जो लोन सिस्टम है लास्ट 20 25 इयर्स में अगर आप देखोगे तो इट हैज मैनिफोल्ड क्यों क्योंकि ये सिस्टम काफी अच्छी तरह से सेट हो गए एंड लोन लोन के सामने जो आपने लोन दिया है उसके सामने अपने पास बहुत सारे पेपर्स आ गए इन टर्म्स ऑफ जिसको होम लोन दिया है तो होम के पेपर्स आ गए ऑटो लोन दिया है तो ऑटो के पेपर्स बिजनेस के पेपर्स इससे बैंक को भी एक सिक्योरिटी आ गया एट द सेम टाइम बैंक के पास जो सरप्लस मनी था वो भी सही जगह पे डिप्लॉय हो गया जिसको उसकी जरूरत थी उसने उसको सही तरीके से यूज करके रिसोर्स क्रिएशन में इट हैज हेल्प अ लॉट इन इंडिया अब ये सिस्टम सेट हो गया है बैंक ने बहुत सारा लोन दे दिया है बट ये दिल मांगे मोर और भी क्लाइंट्स आ रहे हैं और भी कस्टमर्स आ रहे हैं बोल रहे हैं हमारे को और लोन चाहिए बैंक के पास भी तो एक लिमिट होगा ना तो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सिटी बैंक है उसने लोगों को लोन देते गया लोन देते गया गया लोन देते गया। और वो देते 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 पांच करोड़ पहुंच गया अब क्या अब तो सिटी बैंक के पास भी पैसा खत्म हो जाएगा ना भाई कोई इधर नोट छापने का मशीन तो है नहीं राइट एंड जो डिपोजिट आया था और जो खुद के बैंक के पास बैलेंस था वो सारा उन्होंने डिप्लॉय कर दिया ये सब के सामने ऑब्वियसली इनके पास हर एक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो होम लोन का पेपर्स ले लो वो इनके पास है बराबर है फिर बाद में ऐसे कार लोन का या ऑटो लोन का जो पेपर्स है वो इनके पास है बिजनेस अगर है तो बिजनेस लोन का पेपर्स वो इनके पास है तो सारा का सारा जो पेपर वर्क है वो इनका एकदम मस्त है अब आज की तारीख में सीन ऐसा है कि इनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है बट इनके पास उतने ही पांच करोड़ का पेपर्स है बी इट ऑफ होम लोन बी इट ऑफ ऑटो लोन बिजनेस लोन ये सबका है तो अब एक डेडलॉक सिचुएशन में आ गया है सिटी बैंक वो सोच रहा है अब मैं क्या करूं? यार मतलब आप आपके एंगल से सोचो। मेरे पास 500 करोड़ के वर्थ का एसेट का पेपर्स है 500 करोड़ मेरा मार्केट में घूम रहा है जो मेरे को आने वाला है आज नहीं तो कल और तो, मेरे पास एसेट भी है लोगों से मेरे को पैसा भी लेना बाकी है बट 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 कोई और नया अगर आ रहा है लोन लेने के लिए तो मैं उसको पैसा नहीं दे पा रहा हूं तो में मैं क्या करूं और यही डेडलॉक में आ गए काफी सारे बैंक तो सिक्योरिटाइजेशन इस डेडलॉक की वजह से आया तो अब बैंक को क्या करना चाहिए वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एंड दैट बेसिकलीस ठीक है कब आया ये? क्या कॉन्सेप्ट को लेके आया समझ में आ गया सो दे आर इन अ डेडलॉक सिचुएशन लोन दे दिया है पैसा है बहुत सारा बैंक के पास यूज कर दिया है उस पैसे के सामने अपने पास बहुत सारा सिक्योरिटीज भी खड़ा है यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो होम लोन पेपर्स ऑटो लोन पेपर्स एंड एवरीथिंग नाउ व्हाट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बैंक अपना ये इश्यू लेके गया है इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास ठीक है उसने जाके बोला कि यार देख मैंने है ना बहुत सारे लोगों को होम लोन दिया है ऑटो लोन दिया है एट द सेम टाइम बिजनेस लोन दिया है ठीक है ये लोन के सामने उन्होंने मेरे को अपने अपने पेपर्स दिया है किसको दिया है ये सब पेपर्स बैंक को दिया है तो बैंक के पास ये सारा पेपर्स पड़ा है अब बैंक जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास मैं इधर लिख देता हूं आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकर और ये चीज जाके बोलता है इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलता है कि अच्छा तो तेरे पास अभी भी लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं है, हाँ यार कितने सारे लोग है इन्वेस्टमेंट बैंकर ने उसको सजेशन दिया कि सुन तू एक और नई एंटिटी बना ले अच्छा ऐसा बना लेता हूं बना लिया ठीक है ये जितना भी तेरे पास पेपर्स है ना ये सब होम लोन का जो पेपर्स है ना तेरे पास ये सारा पेपर्स आ खाली पेपर्स ये न्यू एंटिटी को दे दे तो आ, बैंक, जो सिटी बैंक है उसने बोला कि ठीक है दे देता हूँ फिर क्या उससे क्या होगा पेपर देने से हाँ अब ये जो न्यू एंटिटी है ना ये मार्केट में बॉन्ड्स इशू करेगा क्या इशू करेगा बॉन्ड्स इशू करेगा तो उससे क्या होगा और क्या बॉन्ड्स इशू करेगा तो दिस से फॉर एग्जांपल ये 500 करोड़ का पेपर इधर आ गया अब न्यू एंटिटी बोलेगा कि भाई चलो अपन 500 करोड़ नहीं अपन 300 करोड़ का फंड्स वी विल ट्राई टू मैनेज तो ये 300 करोड़ का फंड इशू करेगा कुछ वन करोड़ वाला 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 कुछ कुछ करोड़ करोड़ और ये जो पैसा है ये जो बॉन्ड्स हैं ये इशू करके इट विल गिव टू इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर बोलेगा कि अरे ये क्या बात हुई कि हम आपको ऐसे कैसे एक करोड़ तीन करोड़ पांच करोड़ का बॉन्ड्स का जो पैसा है वो कैसे दे दे तो यहाँ पे ये न्यू एंटिटी बोलेगा आप टेंशन मत लीजिए मेरे पास सिक्योरिटी है मेरे पास एक एसेट का बैकिंग है मेरे पास सिक्योरिटी है तो ये जो न्यू एंटिटी है क्या पेपर्स है हाँ सर पेपर्स है तो यही पेपर्स अपन इन्वेस्टर को दिखाएंगे इन्वेस्टर को बोलेंगे ये देखो भाई 500 करोड़ का मेरे पास पेपर्स है एसेट्स पड़ा है यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ पेपर्स तो इन्वेस्टर आप टेंशन मतलब आपका पैसा नहीं डूबेगा डूबेगा तो हमारे पास बैकिंग है एसेट का इन्वेस्टर बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो हमारे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ऐसे इन्वेस्टर को अब अपन ने बोला इन्वेस्टर विल नाउ गिव मनी फॉर दिस बॉन्ड्स ये जो पैसा है ये जो नया एंटिटी है उसके पास आएगा न्यू एंटिटी विल गिव इट टू द बैंक किस चीज के सामने बैंक ने अपना पेपर्स दिया है ना ये न्यू एंटिटी को तो अब बैंक बोलेगा देख मैंने सारा पेपर्स मेरा तेरे को दे दिया तू मुझे सामने दे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं तो यहां पे बैंक ने सारा पेपर्स न्यू एंटिटी को दे दिया है अब वो न्यू एंटिटी सामने पेपर्स मिल गया उसको सामने उसको बैंक को 500 300 करोड़ रुपया दे देगा एंड बैंक इस 300 करोड़ से फिर और न्यू लोन देना चालू कर देगा मार्केट में तो सर इन्वेस्टर को कैसा पैसे मिलेगा सो इन्वेस्टर यर जब यहां पे ये जो मेरे होम लोन ऑटो लोन बिजनेस लोन वाले लोग हैं क्या से इनका ई आएगा प्रिंसिपल आएगा इंटरेस्ट आएगा ये जैसे ही पैसा यहाँ पे आएगा बैंक ये पैसा ट्रांसफर कर देगा न्यू एंटिटी को न्यू एंटिटी दे देगा इन्वेस्टर को तो इससे सारा का सारा काम हो गया एंड जी हाँ इसी प्रक्रिया इसी होल सिस्टम को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन समझ रहे हो एक तीर दो निशाने बैंक को लोन चाहिए था और आगे देने के लिए बैंक के पास पैसा आ गया बैंक के पास जो पेपर्स ऐसे ही पड़ा था अलमारी में उसका कुछ यूज नहीं हो रहा था दिख रहा था कि हाँ मेरे पास इतना एसेट है बट इट वाज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इज नाउ यूटिलाइज्ड कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ कैश बैंक व्हिच कैन बी गिवन अहेड एज अ लोन तो काइंड ऑफ इन लिक्विड एसेट था मेरे पास उसको मैंने लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर दिया ये जो पेपर था ये तो खाली तिजोरी भर रहा था मेरे बैंक का राइट इन लिक्विड एसेट जैसा हो गया था उसको मैं लिक्विडिफाई नहीं कर पा रहा था अब वो हो गया सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के साथ यहां पे मेरा जो इन्वेस्टर है उसके पास बहुत सारा पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है और उसको इंटरेस्ट कमाना है हमने उसको ये अच्छा एक इशू बॉन्ड इशू लाके दे दिया और उस हिसाब से इन्वेस्टर भी खुश ये जो न्यू एंटिटी है इसने अपना काम कर दिया पेपर्स लेके पैसा दे दिया पैसा कहां से दिया इन्वेस्टर से लेके नहीं इसी को कहते हैं हैं अब इसको एक-एक एक-एक बोलते ना टेक्निकल वर्ड के साथ भी तुम लोगों को समझाऊंगा तो एकदम स्मूथली दिमाग में सेट हो जाएगा एंड देन देर इज नो लुकिंग बैक वॉट सो एवर बट आई से एक ओवरव्यू तुम लोगों को मिल गया बस इस ओवरव्यू को ही अपने को प्रॉपरली अब प्रेजेंट करके समझना है अब ये जो सिक्योरिटाइजेशन का गेम आपको समझ में आया है क्यों ना इसको समझने के लिए मैं कुछ लोगों का नाम यूज करना चालू करूं सो यू नो हु इज़ डूइंग व्हाट सबसे पहला नाम इसमें आएगा मेरा बैंक बॉस जो ये पूरा काम करवा रहा है जो सिटी बैंक है उसको कहते हैं ओरिजिनेटर तो सबसे पहला बॉस मेरे एग्जाम्पल में मैं इधर लिख रहा हूं ओरिजिनेटर तुम लोगों को मेरे एग्जाम्पल से समझते जाना है कि मैं किस किस की क्या बात कर रहा हूं ठीक है तो अपना ओरिजिनेटर हो गया सिटी बैंक फिर बाद में इधर मैंने एक न्यू एंटिटी है ये कौन है इसको कहते हैं एसपीवी स्पेशल पर्पज वहीकल वहीकल का काम क्या होता है वहीकल का काम क्या होता है लोगों को एक जगह से लेके जाके दूसरे जगह पे पहुंचाना यहां पे अगर तुम लोग नोट कर रहे हो तो ऐसा ही कुछ हो रहा है दिस न्यू एंटिटी इज लाइक अ वहीकल इन्वेस्टर से पैसा लेके आके जो मेरा सिटी बैंक है उसके पास वो पैसा पहुंचा रहा है दैट न्यू एंटिटी इज कॉल्ड एज एसपीवी स्पेशल पर्पज वहीकल यहां पे मैं लिख देता हूं एसपीवी ब्रैकेट में लिख देंगे अपन स्पेशल हीकल बराबर है ये एसपीवी क्या है बेटा दिस इज अपना न्यू एंटिटी अपनी कहानी में आई होप कहानी समझ रही है आपको नेक्स्ट फिर बाद में आ जाता है अपना इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो एसपीवी में इन्वेस्ट करेगा या यू कैन से जो नया बॉन्ड लेगा सो so उसको अपन लोग ने इन्वेस्टर नाम ही रखा है तो चलो उसको इधर कंटिन्यू करते हैं एंड इधर अपन लोग लिखते हैं इन्वेस्टर्स यहां पर वी विल गिव इट अ नेम इन्वेस्टर्स डन सर ओके ये हो गए ओके okay. उसके बाद में सर ये जिसने ओरिजिनली अपने से लोन लिया है ओरिजिनल बैंक का ओरिजिनल लोन सर इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ओबलाइजर्स सो so, ये होते हैं ओब्लाइजर्स ओब्लाइजर्स कौन होते हैं बेटा Original Original Loan takers, original Loan Takers Takers अच्छा, मुझे बताओ अब इतना सब ये जो सीन हो रहा है SPV create होना SPV investor को pitch करेगा investor pay कर देगा ये सब कहीं ना कहीं इस सब ट्रांजेक्शन के बीच में और छोटा मोटा नहीं तीन सौ करोड़ पांच सौ करोड़ का ट्रांजैक्शन है बीच में इतने सारे पेपर्स का गिव एंड टेक है सपोज किसी ऑब्लाइजर ने ओरिजिनेटर को पेमेंट कर दिया तो उसके बाद ऑब्लाइजर क्या बोलेगा चलो मेरे को मेरा पेपर्स वापस दो बराबर है कि नहीं तो वो न्यू एंटिटी से ओरिजिनेटर पेपर लेगा और ऑब्लाइजर को वापस देगा ये सब मैनेज करने के लिए कोई एक बीच में एंटिटी चाहिए ना जिसके ट्रस्ट के ऊपर ये सब होगा एग्जीक्यूट उसको बोलते हैं ट्रस्टी उसको बोलते हैं ट्रस्टी सो यहां यूज दैट वर्ड ट्रस्टी और एजेंट सो so, ट्रस्टी और एजेंट जो ये पूरा काम मैनेज करवाएगा मतलब बेसिकली समबडी हु दिस ट्रस्ट फेयर सब चीजें हो रही है कि नहीं वो मैनेज करने के लिए गॉट इट गाइस डन सो so, ये मेरा ऑब्लाइजर हो 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 गया 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 ओरिजिनेटर एसपीवी ट्रस्टी हो गया इन्वेस्टर हो, हो, हो गया अब भाई कैसे भूल सकते हो उस इंसान को जिसने ये सब पूरा गेम अपने को खिलवाया जी हाँ जो इन्वेस्टमेंट बैंकर इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग एजेंसी तो अपन ने वर्ड यूज किया है इन्वेस्टमेंट बैंकर बट इट इज एक्चुअली अ नाम देंगे इसको ऑफिशियली स्ट्रक्चरिंग एजेंसी जो अपनी लैंग्वेज में अपन लोग ने बोला हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर ठीक है ओके okay, नेक्स्ट अब जब मैं इन्वेस्टर बन के जाऊंगा एसपीवी के पास और बोलूंगा कि मैं किस बेसिस पे लोन दे दूं भाई कैसा तुम लोग का ये सिस्टम है बराबर है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो बॉन्ड्स जो सेट किया है वो बराबर है या नहीं है उसके लिए वी विल हैव कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो आइडियली कहानी में होगा क्या पता है क्या ये इन्वेस्टमेंट बैंकर ही जाएगा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बोलेगा कि सुन ये जो पेपर्स है ये पेपर्स देख और इसका एक ट्रांच बना ट्रांच मतलब होम लोन कितना बैंक लोन कितना वहां ऑटो लोन कितना बिजनेस लोन कितना ताकि एक आइडिया है कि भाई अलग अलग कितने लोन्स है और ये लोन्स के बेसिस पे क्या अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनता है एक करोड़ का दो करोड़ का तीन करोड़ का तो ये सारा काम किसका है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सो वी विल राइट नेक्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो आइडियली बता रहा हूं मैं आपको कौन जाएगा बताया इन्वेस्टमेंट बैंकर ही स्टार्टिंग में चले जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास अब होगा क्या जब ये इन्वेस्टर जब ये इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई क्या श्योरिटी है कि ये सब जो पेपर्स है वो बराबर है कि नहीं सीधा अपन बोलेंगे हमारे पास ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का थप्पा है और उसी ने ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड इश्यू का ट्रांस बोलते हैं बाइफरकेशन बोलते हैं वो बना के दिया है तो इन्वेस्टर को लगेगा अच्छा ठीक है ऐसा राइट फिर अगर मेरा ये पैसा डूब गया तो इन्वेस्टर पूछेगा एसपीवी को अगर मेरा ये पैसा डूब गया तो मेरे को तो धक धक हो ला है लाए तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है वी विल अपॉइंट अ क्रेडिट एनहेंसर क्रेडिट एनहेंसर मतलब ऐसा बंदा जो गारंटी देगा कि भाई ठीक है एवरीथिंग इज बीइंग डन इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे ठीक है नहीं यस yes, सर और लास्ट जो बंदा है मेरे इस पूरे आ, कड़ी में दैट इज अ पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होगा यहां से पैसा लेने के लिए और इधर तक पैसा पहुंचा के इन्वेस्टर तक वो सही टाइम पे पहुंच जाए इसको अपन लोग बोलेंगे रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट इसको अपन लोग बोलेंगे रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट समझ में आया एवरीबॉडी सो so, यहां पे देखो टोटल कितने लोग यूज हो गए एक दो तीन एक दो तीन और चार पांच छह एंड सात आठ नौ ये नौ लोगों की टोटल टीम बनके एग्जीक्यूट करती है समथिंग कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन अब आ जाओ मेरे नोट्स के ऊपर एंड यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज एवरीथिंग विद जस्ट दिस ट्वेंटी मिनट अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आप लोगों को दिया है लेट्स स्टार्ट नाउ विद द होल सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर नोट्स ये हाँ ये रहा प्लीज ओपन कर दीजिए स्टार्ट करें अभी अपन लोग वो अपना प्रोसेस को आओ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द इन फाइनेंशियल एसेट्स तो यहाँ पे क्या मेरे को इन फाइनेंशियल एसेट्स दिख रहे हैं क्या समझ रहे हो अभी तुम लोग ये जो पेपर्स पढ़े हैं अपने पास वो सब क्या है ये सब इन है इसको मैं थोड़ी ना कहीं पे आ, कुछ करके कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी पैसे में नहीं हाँ, but अब securitization की वजह से ये illiquid asset क्या बन पाया मेरा प्रोसेस ऑफ रीबंडलिंग ऑफ इन एसेट्स इनटू टू अब मैंने उसको क्या बना दिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज दीज एसेट्स कुड बी कुछ भी हो सकता है ऑटोमोबाइल लोन Yes, अच्छा, इसका क्या -क्या है? लोग समझ चुके, बट अब एग्जामिनर को बताने के लिए तो लिख के बताना पड़ेगा तो मैं आपको लॉजिकली अपना जो स्टोरी है उससे कनेक्ट करके बताऊंगा एट द सेम टाइम ये समझने के बाद एक बार उसका हेड पॉइंट लिख लेंगे सो so दैट आपके दिमाग में एकदम जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएगा फर्स्ट फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पहला क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सो लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहला सिस्टम है मेरा यहाँ पे क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देखो अगर आप लोग नोट करोगे देन इन दैट केस मेरा यहाँ पे एक नया लोन इशू कर रहा हूं एक नया इन्वेस्टर मेरे को मिल रहा है सो so, कहना एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहां पर बन गया सो so, ये जो मेरा बॉन्ड इशू कर रहा हूं मैं कहना इसे इन टू अ क्रिएशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट द आंसर इज येस तो अपने एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे लिख लेंगे ना अगर बॉन्ड्स तो अपने को ध्यान में आ जाएगा डन सेकंड बंडलिंग एंड अनबंडलिंग बंडलिंग एंड अनबंडलिंग का मतलब क्या होता है ये सारा का सारा ये जो इधर आपको दिख रहा है ना ये सारा का सारा जो पेपर्स है ना वो अपन लोग ने कंबाइन कर दिया और बोला देख इसका वैल्यू 500 करोड़ है और ये जाके अपन लोग ने दे दिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और वो न्यू एंटिटी को तो बराबर है तो अपन ने क्या किया पूरा बंडल करके एक उसको दे दिया अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसको स्प्लिट कर दिया एक करोड़ वाला, वाला पांच करोड़ वाला, ऐसे करके अलग अलग बॉन्ड्स में उसको स्प्लिट कर दिया उसको बोलते हैं अनबंडलिंग तो जो मेन बैंक है सिटी बैंक उसने बंडल करके जितने भी उसके लोन के पेपर्स थे वो आगे दे दिए सामने वाला जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने बोला कि ओके okay, हम इसको अनबंडल करके मार्केट में इन्वेस्टर को बेचेंगे सो एसेट्स कंबाइंड इन वन पूल वाज बंडलिंग ब्रोकन इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स डिनोमिनेशन इज अनबंडलिंग फिर बाद में आ जाता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट टूल शिफ्ट इन रिस्क डिफॉल्ट सो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्रेडिट एनहेंसर लिया इसीलिए कि भाई मेरा जो भी रिस्क का टेंशन है वो शिफ्ट हो जाए सेकेंडली बिकॉज आई हैव द बैकिंग ऑफ द सिक्योरिटीज रिस्क का टेंशन है ही नहीं

ऑफ सिक्योरिटी देना है जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना कई बार ये जो आ, अभी मैंने ना एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो कैसा सिस्टम था पता है क्या यहाँ पे का जो बिल्डिंग है ना बिल्डिंग वो है टोटल टेन थाउजेंड फीट की ठीक है इन द सेंस टोटल ट्वेंटी फ्लोर्स ट्वेंटी फ्लोर्स में सब फ्लोर्स में टेन थाउजेंड स्क्वायर फीट अब मैं आया मैंने बोला कि यार मेरे को है ना 2000 स्क्वायर फीट चाहिए तो उन्होंने बोला ठीक है तेरे को 2000 स्क्वायर फीट चाहिए तेरे लिए 2000 स्क्वायर फीट का हम लोग कंस्ट्रक्शन करके देंगे मेरा फ्रेंड गया वो बोला यार मेरे को तो है ना 500 स्क्वायर फीट ही चाहिए उसने बोला कि वो जो रियल एस्टेट डेवलपर था उसने बोला ठीक है तेरे को 500 स्क्वायर फीट का बना के देंगे कोई और बोला 200 स्क्वायर फीट कोई और बोला 5000 स्क्वायर फीट जिसको जो चाहिए कस्टमाइज प्रोडक्ट वो अब उसको बना के देंगे उसको बोलते हैं ट्रेंचिंग पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट रिसीवेबल स्प्लिट सेवरल ठीक रिसीवे दस हजार स्क्वायर फीट का था वो पूरा पोर्टफोलियो उसको स्प्लिट किया इंटू डिफरेंट रिसीवेबल पार्ट होमोजेनिटी जो सेम है उसको साथ में सो सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर नेचर ग्रुप टूगेदर टू हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर तो जैसे ऑटो लोन्स है तो ऑटो लोन्स को साथ में रखेंगे और उनका एक साथ में ट्रेंच बनाएंगे सो दैट इट बिकम्स इजियर टू इन्वेस्ट तो ये छह फीचर हो गए सिक्योरिटाइजेशन के अच्छा अब ये जो पॉइंट्स है आपको क्या लग रहा है क्या ये मेरे खुद के पॉइंट्स है क्या द आंसर इज नो ये मैंने कहां से पिकअप किए हैं जी हाँ आप ही के मध्य से सो इन शॉर्ट ये देखो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बंडलिंग अनबंडलिंग टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस ट्रेंचिंग होमोजेनिटी सो

एंड दी अदर इज फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर ओरिजिनेटर कौन है सिटी बैंक अपने एग्जाम्पल में तो सिटी बैंक के लिए सबसे बेस्ट हो गया ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मतलब किसी को कुछ पता भी नहीं चला एंड एट द सेम टाइम मेरे पास 300 करोड़ रुपए भी आ गए सो so, इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग दूसरा इसी में और एक है इंप्रूव रेशियोज मतलब अभी समझो मेरे को 300 करोड़ का लोन आगे देना है तो उसके लिए पहले मेरे को शायद लोन लेना पड़ेगा फिर मैं आगे लोन दूंगा अब अगर मैं लोन लेता हूं तो कहना इसे मेरा डेट बढ़ जाएगा तो उससे डेट इक्विटी रेशियो खराब हो सकता है एंड देन फिर मैं आगे लोन दूंगा बट यहां पे कहीं पे मेरा डेट दिखा ही नहीं एट द सेम टाइम आई हैव गॉट अ न्यू लोन फ्रॉम द ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग सो आई कैन इशू द न्यू लोन सो यहां पे देखा दो पॉइंट्स एक है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग एंड दूसरा है मेरा इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियो राइट स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस तो अभी यहाँ पे मैंने एक नया एंटिटी बना दिया है मेरे मेन बिजनेस में वो अफेक्ट नहीं हुआ है एंड रिड्यूस बोरोइंग अभी देखो यहाँ पे आई विल इशू लोन्स टू द इन्वेस्टर तो वहां से वहां पे मुझे पे करना है इंटरेस्ट बट एट द सेम टाइम मेरे को दूसरी जगह से आने वाला है काफी आ, अच्छे अमाउंट का इंटरेस्ट लोन के ऊपर बस यही दोनों का जो डिफरेंस है एज अ स्प्रेड एज अ प्रॉफिट आई विल बी एबल टू अर्न एंड फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन रिस्क देखो उसको तो इन्वेस्ट करना था उसके पास पैसा था तो उसने एक और एवेन्यू में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर दिया अपने रिस्क को रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट सी क्रेडिट एनहेंसर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है सो so डिफॉल्ट का टेंशन नहीं है

सो वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन जो मेरा यहाँ पे पूरा मैंने बनाया हुआ है सिस्टम सेट सो वी कैन राइट फर्स्ट पहले अपन लोग लिख सकते हैं फीचर्स तो अगर नोट किया होगा तुम लोग ने फीचर्स के मेरे छह स्टेप्स है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बंडलिंग अनबंडलिंग सो जस्ट एक क्विक लेवल पे अगर मेरे को लिखना है तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बंडलिंग एंड अनबंडलिंग फिर बाद में था स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस फिर बाद में था ट्रेंचिंग आप लोगों को याद हो रही है चीजें फिर टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड होमोजिनस जो भी होंगे वो अपन लोग साथ में प्रेजेंट करेंगे सो योर आर माय फीचर्स सो कैन आई से मेरे चलो मैं इसको लिखी देता हूं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओके सर बंडलिंग अनबंडलिंग हो गया ठीक है ओके सर फिर ट्रेंचिंग हो गया यस सर ओके फिर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस अवेलेबल हो गया यस सर टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जैसा काम हो गया सो रिस्क मैनेजमेंट का काम हो गया एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स विल बी केप्ट टुगेदर सो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स तो क्या ये अपने को ध्यान में आ गया एकदम अच्छी तरह से सर इसी को मैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूं तो आया अपना क्वेश्चन बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन अब अगर मेरे को सिक्योरिटाइजेशन लिखना है तो इसमें मेरे पास दो एंगल है एक मेरा एंगल है ओरिजिनेटर का और दूसरा एंगल है मेरा इन्वेस्टर का ओरिजिनेटर के लिए तो सबसे बेस्ट पार्ट हो गई कि उसको ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग मिल गई ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग मिलने की वजह से उसका फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव हो गया सो फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव हो गया

फिर इंश्योरेंस अपने को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन चाहिए सो so, एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय इंश्योरिंग अपना क्रेडिट एनहेंसर और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन्वॉल्व है एंड वो देर विल बी अग्रीमेंट जहां लिखवा लेंगे Of के उपर, ये है अपना फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जिस जो आपके लिए एकदम सिंपल हो गया सबसे पहले क्रिएशन ऑफ पुल ऑफ एसेट ऑटो लोन बिजनेस लोन फाइनेंस लोन ऑल तरह के लोन मैंने यहाँ पे कर दिया उस हिसाब से

SPV को ट्रांसफर कर देंगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स सब कॉन्ट्रैक्टेड बैक टू ओरिजिनेटर विच कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स एंड ट्रांसफरस इट टू SPV तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई देखो हमने पेपर्स अभी दे दिए बट एडमिनिस्ट्रेटिवली वी विल टेक द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड ट्रांसफर इट टू SPV देन रिकोर्स टू ओरिजिनेटर अगर कभी कहीं पे कोई भी इशू होता है तो ओरिजिनेटर के पास वो जाएगा मतलब से अभी एसपीवी के पास है सारा पेपर्स अभी से किसी ऑटो लोन वाले ने डिफॉल्ट किया तो अगर वो डिफॉल्ट किया तो आज के तारीख में पेपर तो एसपीवी के पास है सो एसपी विल विल आस्क द ओरिजिनेटर टू एंश्योर या तो पैसा निकलवा के दे दे या वो जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर दे सो एसपीवी हैज अ रिकोर्स टू ओरिजिनेटर ओरिजिनेटर के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार प्लीज मेरे को अब ये सेटलमेंट में हेल्प कर देना सो रिकोर्स टू ओरिजिनेटर रीपेमेंट ऑफ फंड्स एसपीवी पहले सब प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर देगा जो फंड्स है इन्वेस्टर के पास से टू द ओरिजिनेटर ओरिजिनेटर आगे लोन दे देगा एट द सेम टाइम जब पैसा आएगा इट विल बी रिपेड

आओ देख लेते मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स सो क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स चलो ये हो गया अब मैं क्या करूंगा एसपीवी के पास लेकर जाऊंगा इसको सेकेंड ट्रांसफर टू एसपीवी एसपीवी को मैं क्या कर दूंगा ये सेल कर दूंगा तो सेल ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स एसपी भी मेरे को पैसा देगा ना अब मैंने सेल कर दिया उसके नाम पे कर दिया है तो पैसा अब ए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स बहुत सारा एसेट्स ट्रांसफर हो गया, तो उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो तो हम वापस चले जाएंगे हमारे ओरिजिनेटर के पास तो एक अग्रीमेंट में क्लॉज होना चाहिए रिकोर्स टू ओरिजिनेटर फिर एंश्योर दैट ऑल द फंड्स इज बीइंग रिपेड ऑन टाइम टू द इन्वेस्टर टू दू ओरिजिनेटर एंड लास्ट में आता है मेरा क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए तो ही सिक्योरिटाइजेशन विल वर्क प्रॉपरली क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए अदरवाइज कोई भी इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होगा तो इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ एसपीवी भाई एसपीवी वो ही सिक्योरिटीज लेगा काम होने वाला है यहाँ पे चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जो अपन लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं लिख भी चुके हैं यहाँ पे अपन लोग पार्टिसिपेंट्स के बारे में लिख लिया है सबसे पहला ये ये जो तीन है ना मैंने इधर लाइन डाला ये तीन के नीचे लाइन क्यों डाला है बिकॉज दे आर माई प्राइमरी पार्टिसिपेंट और उसके नीचे वाले जो है दे आर माई सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आता है सबसे पहला है मेरा ओरिजिनेटर सिटी बैंक इनिशिएटर ऑफ द डील इसको सिक्रेटाइजर भी बोलते हैं इट इज एन एंटीटी विथ सेल्स द एसेंग इन इज बुक एंड रिसीवेबल फंड जनरेटेड थ्रू सेल ऑफ एसेट दूसरा है मेरा स्पेशल पर्पज वेहीकल क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्जीक्यूटिंग द डील इन्वेस्टर डीलर so, जो मेन perform perform जिससे पैसा मेन सोर्स ऑफ द होल सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस दे आर दार्टीज मनी टू दसी तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये बेसिकली इनको इंश्योर करना है कि जो सिक्योरिटी पेपर्स है वो सब बराबर है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट कलेक्ट्स द पेमेंट ड्यू फ्रॉम द दस एंड इट टू द एसपीवी सो भाई यहां से लेना पड़ेगा ऑब्लाइजर से और एसपीवी को पास ऑन करना पड़ेगा क्रेडिट एनहैंस इन्वेस्टर के सिक्योरिटी के लिए सिंस इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू परफॉर्मेंस एंड मे हैव नो रिस्क टू द ओरिजिनेटर दे एडिशनल कंफर्ट इन फॉर्म ऑफ है एंड लास्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरर दे आर द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हु तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिख चुका हूं सो आई थिंक वी आर डन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स एज वेल फिर बाद में, में काफी ज्यादा है बिकॉज इंडिया का डेट मार्केट उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है उसके भी पीछे रीजन है देखो इंडिया में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आठ परसेंट ये जो डेट सिक्योरिटीज का जो डेट मार्केट है वो लोग भी देते हैं अराउंड एट टू नाइन परसेंट का इंटरेस्ट वो लोग देते हैं तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर तो पब्लिक क्या सोचता है अपने मम्मी पापा कि चल हार्डली दो परसेंट बट बॉन्ड याचर है उसके रेट से अराउंड थ्री एंड हाफ टू फोर परसेंट तो पब्लिक बोलता है क्यों डालू उससे अच्छा तो मैं बॉन्ड्स में डालता हूं मुझे ज्यादा पैसा कमाने को मिलेगा तो वहां का बॉन्ड मार्केट यान और अकाउंटिंग का सिस्टम है वो भी उस तरह से डेवलप हुआ है इंडिया में डेट मार्केट ही अच्छी तरह से डेवलप नहीं है तो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान दिया ना लीगली इतनी अच्छी तरह से बेटर डेवलप हुआ है तो इश्यू क्या क्या है सबसे पहला स्टैंप ड्यूटी

बट कोई बोलता है कि नहीं नहीं भी तो खाली एक मिड एंटिटी है उसको टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए इन शॉर्ट टैक्सेशन का प्रॉब्लम है का है स्टैंप ड्यूटी का प्रॉब्लम थर्ड इन एडिक्वेट डेट मार्केट जो मैंने आपको बताया इंडिया में इतना डेवलप डेट मार्केट नहीं है जब तक इंडिया में फिक्स डिपोजिट का रेट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट डेट सिक्योरिटिंग एजेंसी का रेट तब तक डेवलप नहीं होगा जिस दिन डेट मार्केट विल गिव अ मच हायर रिटर्न देन द फिक्स डिपॉजिट मार्केट तो देखना डेट मार्केट इंडिया में इज गोइंग टू बिकम ह्यूज अकाउंटिंग इसीलिए डेवलप नहीं है बिकॉज नो सिस्टम ऑफ डेट सिक्रेटाइजेशन एग्जिस्ट मच इन इंडिया तो वो एक थोड़ा इश्यू है तो अपने को ये ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट को कैसे ट्रीट करना है एंड उसको कैसे अकाउंट करना है वो आइडिया नहीं है इन इफेक्टिव क्लोजर लॉस अब अगर फोर क्लोजर हो गया समझो यहाँ पे कोई होम लोन वाला है बोलता है मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया मेरे को फोर क्लोज करना है तो अब ये अगर इधर फोर क्लोज करेगा ये अगर फोर क्लोज करेगा तो एसपीवी के पास जल्दी पैसा आ जाएगा ये वो क्या इन्वेस्टर को अपन लोग देंगे नहीं देंगे फोर क्लोजर अगर किया तो कितना परसेंटेज क्लोजर पेनल्टी मारना पड़ता है वो सब लॉस अगेन दे नॉट बीन वेल एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टर तो एक सिटी बैंक हुआ यही सेम इश्यू आईसीआईसीचडीएफसी एक्सिस बैंक भी फेस कर रहे हैं तो अब कोई सिक्योरिटाइजेशन अपने हिसाब से करेगा कोई एच डी एफ सी अपने हिसाब से करेगा कोई अपने हिसाब से करेगा कोई बोलेगा नहीं मेरे को क्रेडिट रेटिंग नहीं चाहिए कोई बोलेगा की बीच में मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं चाहिए कोई बोलेगा मैं ट्रस्टी को नहीं रखूंगा तो ऐसा थोड़ी चलेगा तो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना चाहिए बट ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम ही नहीं है इंडिया में एंड दैट इज वेयर डेट सिक्योरिटाइजेशन इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है इन्वेस्टर्स इतना फेथ नहीं कर पा रहे अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि भाई नहीं अगर किसी बैंक को सिक्योरिटाइजेशन करना है तो आपको वन टू थ्री फोर फाइव यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे देन द मार्केट विल डेवलप टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट बट अभी तक ऐसा नहीं है इसकी वजह से अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है एंड नेक्स्ट पॉइंट मेरा फटाफट मैं यही लिख दूंगा कि बॉस आज की तारीख में बहुत सारे प्रॉब्लम है जैसे कि स्टैंप ड्यूटी का रेट तुम्हारा फिक्स नहीं है तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम क्लियर नहीं है तुम्हारा टैक्सेशन सिस्टम क्लियर नहीं है तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि भाई सब बैंक्स को एक ही सिस्टम एक ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा वो नहीं है फोर क्लोजर लॉस और डेट मार्केट भी इनएडिक्वेट इन एडिकुएट इनएडिक्वेट

अगेन इट क्रिएट्स बेग बेग इश्यू एंड बस यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा सिक्यूरेटाइजेशन का आई होप वी आर क्लियर अब चलते हैं तो फ्रॉम ओरिजिनेटर एंगल उसको एंश्योर करना है कि उसको एक स्प्रेड मिल रहा है बीच में ठीक है ना एक जगह उसको लोन देना है एक जगह से लेना है तो ई शुड नो फ्रॉम ओरिजिनेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्राइज एट अट एट विच ओरिजिनल हैज टू इंकर एन इनफ्लो

इन्वेस्टर्स एंगल उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ये तीन तरह के सिक्यूमेंट है एक है मेरा पे थ्रू सर्टिफिकेट दूसरा है मेरा पे थ्रू सिक्योरिटी पास थ्रू सर्टिफिकेट पे थ्रू सिक्योरिटी एंड स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज पे थ्रू सर्टिफिकेट क्या बोलता है जो भी आपका ओबलाइजर है ओबलाइजर से आपको जो भी पेमेंट आ रहा है वो पेमेंट डायरेक्टली ओरिजिनेटर से एसपीवी एसपीवी और टू पे द होल पेमेंट टू द इन्वेस्टर बट पे थ्रू सिक्योरिटी क्या बोलता है कि जो भी ऑब्लाइजर से पेमेंट आ रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में ईएमआई प्रिंसिपल के फॉर्म में दैट विल बी पास्ड ऑन फ्रॉम द ओरिजिनेटर टू द एसपीवी और फिर एसपीवी डिसाइड करेगा कि उसमें से कितना उसको पे करना है इन्वेस्टर को एंड कुछ एक्सेस फंड मिल रहा है तो इट कैन री इन्वेस्ट एंड अर्न समोर रिटर्न एज वेल दैट इज कॉल्ड एज पास पे थ्रू सिक्योरिटी सो पास थ्रू में एसेट हेल्ड बाई एसपीवी जनरेशन ऑफ कैश थ्रू इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टर्स गेट प्रपोशनल बेनिफिट बेस्ड ऑन देअर होल्डिंग तो जो भी पैसा आया इन्वेस्टर को सारा का सारा पैसा मिल जाएगा प्रपोजल बेनिफिट बेस्ड ऑन होल्डिंग बट पे थ्रू सिक्योरिटी क्या होता है यहां पे भी एसेट इज हेल्ड बाय एसपीवी बट द ट्रेंचिंग इज डन इन सच अ वे दैट हिस्टर आर वेरिंग मेच्योरिटीज डिफरेंट मेच्योरिटीज है कैश जनरेटेड थ्रू इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ एसेट्स इज नॉट पास्ड डायरेक्टली बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज पे टू इन्वेस्टर ओनली वेन इनकम

होल्डिंग बिटवीन ऑल द इन्वेस्टर्स पे थ्रू सिक्योरिटीज आया जितना ड्यू हुआ उतना इन्वेस्टर को दो जो बच गया इन्वेस्ट इन इल्ड अर्निंग सिक्योरिटीज और इसमें थर्ड तरह का सिक्योरिटी होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज तो तीन फॉर्म में या तो पीटीसी पास थ्रू सर्टिफिकेट या पे थ्रू सिक्योरिटी के फॉर्म में दिया जाता है वैसे मैं बता दू पे थ्रू सिक्योरिटी के ऊपर आईसीआई ने मे ट्वेंटी फोर के आर में एक मस्त वाला यस yes, पूछ भी डाला एमसीक्यू के सरप्लस कैश इन्वेस्ट करते हैं अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी है तो वो कौन सा सिक्योरिटी है और आपको चार ऑप्शन दिया आपको पता होना चाहिए इट इज थ्रू सिक्योरिटीज लास्ट है मेरा पे दो तरह के फॉर्म में डिवाइड किया होता है। एक होता है है एक इंटरेस्ट ओनली जिनको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चाहिए तो आप इन्वेस्ट करोगे आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम मिलते जाएगा दूसरा है कि मेरे को लमसम अमाउंट चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो मैं प्रिंसिपल दूंगा और एक साथ मुझे रिटर्न जब पैसा मिलेगा तो अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा नाउ जो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज है सपोज मार्केट इंटरेस्ट फॉल हुआ ठीक है अब अपन ने इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज इश्यू कर दिया मार्केट इंटरेस्ट फॉल हुआ देन इन दैट केस आई ओ होल्डर्स विल गेट लेस इंटरेस्ट राइट एंड जो प्रिंसिपल ओनली वाला है वो क्या होगा उसके केस में एंड प्रिंसिपल ओनली में क्या होता है पता है क्या जब मार्केट रेट का इंटरेस्ट फॉल करता है तो सपोज मैंने होम लोन लिया है इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया है मेरे पास पैसा भी पड़ा है तो मैं क्या करूंगा मैं अपना रीपेमेंट कर दूंगा और अगर मैंने रीपेमेंट कर दिया तो जो प्रिंसिपल ओनली वाला है बोरोवर रीपे एंड गेट मोर रिडेर तो है बोलेगा चल भाई मैं रीपे कर देता हूं अभी इंटरेस्ट रेट भी गिरा हुआ है मेरे पास पैसा भी है आई यूज दैट एंड अदर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ अगर तो हो सकता है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी वाले को ज्यादा इंटरेस्ट मिले जो बोरोवर है उसके पास भी इतना लिक्विडिटी फिर नहीं होगा रीपे uh, करने के लिए अपना प्रिंसिपल एंड ही कैन पोस्टपोन द रिपेमेंट ये तीन तरह के सिक्योरिटीज होती है स्ट्रिप्ट मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉल्स तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी वाला जो है वो लोग को पेमेंट मिलते जाएगा ऑफ मोर रिडेम्पशन ऑफ देर प्रिंसिपल एंड वाइस ए वर्सा फिर है पे थ्रू सिक्योरिटी एंड देन कम्स पीटीसी पास थ्रू सर्टिफिकेट्स चलो अब आते हैं कुछ चीजों पर जो इंस्टीट्यूट ने उप तो की है बट कैसा है पता है क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहां पे यूज कर रही है इंस्टीट्यूट यार अब तो यार बड़े बड़े इंजीनियर को भी अभी तक समझ में नहीं आया आप और मैं क्या चीज है यार समझ रहे क्या आप सो ऑब्वियसली इट इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड बट न जो है चीजें जो बताई है इंस्टीट्यूट ने उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल सो भाई पहला है रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन यस क्या रिस्क है सबसे बड़ा रिस्क है क्रेडिट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क इन्वेस्टर डिपेंडेंट है एसपीवी पे एसपीवी डिपेंडेंट है ओरिजिनेटर पे ओरिजिनेटर डिपेंडेंट है अबलायजर पे अबलायजर अगर खचा मतलब अबलायजर ने अगर कोई गड़बड़ की या वो बैंकक्रप्ट हो गया या वो नीरव मोदी या विजय माल्या बन गया देन इन दैट केस आप समझ रहे हैं ना ये पूरा का पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा इन्वेस्टर के ऊपर सो रिस्क ऑफ बैंक एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस सर समझ में आता है यस yes, सर समझ में आता है सेकेंड सेकेंड है मेरा लीगल रिस्क बिकॉज यहां पे लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट अनसर्टेन है ठीक है एज आई टोल्ड भाई चलो जो सिटी बैंक है वो तो ट्रांसफर कर देगा एसपीवी को बट वो अरेंजमेंट कैसे होता है इंडिया में उतने रेगुलेटरी या लॉज नहीं है एज रिगार्ड सिक्योरिटाइजेशन सो दैट कैन क्रिएट एन इशू द बी पार्ट विल बी लीगल रिस्क देन कम्स योर मार्केट रिस्क सबसे पहला है मेरा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क भाई अभी से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सेक्टर uh, है उस सेक्टर में कोई इशू आ गया देन इन दैट केस मेरा होल अगेन ये जो पूरा चेन है दैट कैन बिकम अ बिग बिग प्रॉब्लम इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आईसीए ने वो मैं आप लोगों के साथ कोट करना चाहूंगा आईसीए बोलता है कि समझो किसी ने मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं फार्मर हूं मैंने लोन लिया एक ट्रैक्टर के लिए कमर्शियल व्हीकल के लिए अब मैंने लोन लिया कमर्शियल व्हीकल के लिए फॉर यूजिंग इट फॉर सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री गोज डाउन तो अगर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवरऑल बेसिस पे गो डाउन से फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स ठीक है मैंने लोन लिया कमर्शियल व्हीकल के लिए एक लोन लिया क्यों क्योंकि मेरे को एक प्लास्टिक बैग का एक फैक्ट्री सेटअप करना था अब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया नो प्लास्टिक बैग अलाउड तो मेरे को मेरा इंडस्ट्री बंद करना पड़ेगा या मेरा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा अगर वो प्रोडक्शन कम हुआ तो मेरा सेल्स और प्रॉफिट कम होगा अगर प्रॉफिट कम होगा तो मैं इंटरेस्ट रे पे कर से कर पाऊंगा वो जो कमर्शियल व्हीकल लिया है मैंने तो दैट इज अ इकोनॉमिक रिस्क कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे फर्क पड़ गया तो उस जिस चीज के लिए मैंने लोन लिया है वो कंटिन्यूएशन में इट कैन अफेक्ट सो एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क इंडस्ट्री डाउन टर्न प्लास्टिक बंदवां प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क फिर बाद में आता है प्री पेमेंट रिस्क कई बार होता है कि लोग प्री पेमेंट कर देते हैं कर देगा। अब अगर प्रीपे कर दिया उसने तो एसपीवी के पास और जो सिटी बैंक है वो ओरिजिनेटर के पास पैसा आ जाएगा हो सकता है कि अब अपन लोग प्री पेमेंट का जो पैसा है वो इन्वेस्टर को देना चाहे पर इन्टर बोले मेरे को अभी पैसों की जरूरत नहीं है so there is always that prepayment risk which is there in the market तो इसका भी एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं समझो मैंने सिटी बैंक से लोन लिया ठीक है सिटी बैंक ने मुझे लोन दिया एक्सवाइजेड इंटरेस्ट के ऊपर अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हुआ ठीक है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होने की वजह दिया सिटी बैंक अमाउंट है वो जाके एसपी को दे देगा एसपी बोलेगा प्रिंसिपल ओनली वाले को देखो हमारे पास प्रीपेमेंट आ गया और वो अगर पे थ्रू वाला हुआ सर्टिफिकेट पे थ्रू सर्टिफिकेट वाला तो वो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टर को दे देगा इन्वेस्टर बोलेगा मैं क्या करूं मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं था इसीलिए तो तेरे को दिया था यही पैसा तुमने मुझे जल्दी दे दिया तो देयर इज अ रिस्क दैट ही हैज एंड लास्टली ऑबवियसली द इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरेस्ट रेट मिसमैच होता है क्या होता है ना कई बार पब्लिक ड्यूअल बेनिफिट लेना चाहता है इन द सेंस इट बोरोस एट अ फ्लोटिंग रेट बट इट गिव्स

क्रेडिट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है ये तो कि भाई अगर ने कुछ इशू किया एवरीथिंग इन द सिस्टम विल गो फॉर अ फ्लॉप फिर आता है लीगल रिस्क फिर आता है मार्केट मार्केट रिस्क रिस्क में तीन चीजें अपने को पढ़नी है इंटरेस्ट रिस्क प्री पेमेंट रिस्क माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क आई होप वी आर क्लियर ध्यान रहेगा अंदर के पॉइंट्स भी ध्यान में रहेंगे अब आ जाते हैं अपन लोग आइडियली अब आता है टोकनाइजेशन बट टोकनाइजेशन के पहले इंस्टीट्यूट बोलता है ब्लॉक के बारे में पढ़ो ब्लॉक के लिए खाली नाम के लिए वो लोग ने इंट्रोड्यूस किया ये इतना है, कि मेरे है, ऐसा कोई है जिसने ब्लॉकचेन के थ्रू क्रिप्टो करेंसी बनाया बिटकॉइन बनाया एंड वी ऑल नो कि बिटकॉइन का कितना बूम आया था फिर डाउन गया सब स्कैम है बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है आज नहीं तो कल क्रिप्टो करेंसी विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी देखते हैं क्या होता है बट ये मेरा मानना है ये मेरा प्रिडिक्शन है आज की तारीख में तो एवरीबडी फील्स इट्स अ स्कैम इट्स अ फ्रॉड बट मुझे ऐसा लगता है आगे ये होएगा यूज नाउ ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है बताइए कि अगेन पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनडेप इसमें जाना नहीं है अपने बट मैं ब्लॉक चेन आपको समझा सकता हूँ एक अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू तो और एग्जाम्पल अपन लोग अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं एक लेजर बनाते हैं वैसे यहाँ पे भी कुछ लेजर्स बनते हैं सो नाउ सपोज मैंने कोई आ, एसेट परचेज किया ठीक है तो मैं क्या एंट्री मारता हूं फिक्स एसेट अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट तो मैं मेरा एक फिक्स एसेट का लेजर बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक में डाल दूंगा बाय फिक्स एसेट एंट्री पास हो जाएगा फिक्स एसेट बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा अब ये मैंने लेजर बनाया अब इसी फिक्स एसेट के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा इसमें क्या होता है ब्लॉक में एक बार एक लेजर बन गया ना फिर वो फ्रीज हो जाता है फिर आपको और कोई तो एंट्री मारनी है देन इन दैट केस और एक लेजर क्रिएट किया जाएगा तो अभी से फिक्स्ड एसेट वन मैंने खरीदा उसी का डेप्रिसिएशन का एंट्री मार्च चार्ज करना है मेरे को उसका का एंट्री मारना है मैं और एक लेजर क्रिएट करूंगा और उसमें लिखूंगा एफ ए वन का डेप्रिसिएशन का एंट्री सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड ऐसे अकाउंट डन फिर एफ ए वन को मेरे को सेल करना है तो और एक लेजर बनेगा तो ऐसे क्या हो जाता है लेजर टू लेजर सब एंट्रीज पास ऑन होती रहती है तो अब ये लेजर में जो भी मेरा बैलेंस था उसके बेसिस पे इधर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ रहेगा तो अब मेरे को पता चलेगा कि कितना मेरे पास फिक्स एसेट का बैलेंस बचा है फिर बाद में ये जो लेजर है इससे जब मैं सेल करने को जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि बुक वैल्यू अभी कितना बचा है और मैं कितने में सेल कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा फिर वो लेजर आ गया और एक लेजर बनाएगा और बोलेगा कि भाई ठीक है इतना हम लोग ने फाइनली प्रॉफिट कमाया तो अब एक लेजर से दूसरे लेजर पे इंफॉर्मेशन जा रही है दूसरे लेजर से तीसरे लेजर पे जा रही है देर इज अ चेन दैट इज बिंग क्रिएटेड एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम वन नोड टू दी अदर एंड बेसिकली इनकाउंटिंग बताना है तो मैं यहाँ पे फिक्सड एसेट खरीदा तो जैसे ही फिक्स एसेट खरीदा मैंने फिक्स एसेट का अकाउंट बनाया इधर लिखा टू बैंक दस लाख रुपया मेरे पास यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है दस लाख रुपया ये मेरा एक ब्लॉक बन गया अब मेरा दूसरा ब्लॉक बनेगा क्या ये बनेगा मेरे फिक्स डेप्रिसिएशन के लिए तो यहाँ पे मैं कर दूंगा भाई डेप्रिसिएशन फिक्सड एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट तो यहां पे मैं एंट्री पास कर दूंगा डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट तो, तो यहां पे आ जाएगा मेरा बाय फिक्स्ड एसेट बट किसके ऊपर दिया है ये दस लाख के ऊपर दिया है तो ये सब कनेक्टिंग है तो यहाँ पे ये सारा एक चेन बनते जा रहा है फिर बाद में मेरे को सेल करना है सेल करने के लिए मेरे को बुक वैल्यू पता होना चाहिए तो यहां से ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास होगा ये एक चेन बन गया फिर मैंने कितने में सेल किया उसके ऊपर मेरे को कितना प्रॉफिट आया ये एक लेजर बन गया तो लेजर टू लेजर कनेक्टेड विद अ चेन लेजर टू लेजर कनेक्टेड विद अ चेन इज कॉल्ड एज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो अभी अपन लोग उसको पढ़ रहे हैं All नाउ right. now blockchain इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग information अपन लोग ने भी अपने आ, जो फिक्स एसेड था उसके लिए रिकॉर्ड किया इंफॉर्मेशन सो blockchain में क्या हो रहा है वो मैंने आप लोगों को बताया अब इसका और एक कुछ एडवांटेज है जस्ट एक इन जनरल बोल रहा हूं एक ये प्राइवेट नेटवर्क पे होता है तो प्राइवेट नेटवर्क पे होने की वजह से क्या है ना हाईली सिक्योर्ड बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है दूसरा ये डिसेंट्रलाइज है मतलब कोई एक इसको ओन नहीं करता है तो ऐसा नहीं है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकती है दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल तीसरा ये शेयर्ड होता है दिस इज शेयर्ड विद द पीपल इन दैट प्राइवेट नेटवर्क और एक होता है ये इम्यूटेबल है ये इम्यूटेबल वर्ड कहीं आपको मिलेगा नहीं बट इसका मतलब क्या होता है चेंज इज नॉट पॉसिबल तो अगर आपने कुछ गलती किया है कहीं पे या कुछ आपको चेंज करना है तो आपको एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया है समझो आपने यहाँ पे एंट्री मारा और आपने ये अप्रूव कर दिया ये हो गया अब आपको समझो इसने अपने दस लाख के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस भी एड करना था और तो आप भूल गए तो नहीं हुआ तो अब आपको एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ब्लॉक के अंदर और वहां से वो एंट्री हो पाएगा समझ में आया तो अब इसको मैं थोड़ा लॉजिकली और एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझेगा ब्लॉक चेन इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट फॉर दिस्टम टू बी चेंज है कुछ नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डुप्लीकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लॉक चेन तो यहाँ पे जो भी है वो सारा का सारा जो ये फिक्स एसेट का है फिर जो नेक्स्ट चेन बनेगा उसमें वो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगा और फिर नेक्स्ट मेरा लेजर बनेगा फिर वो इंफॉर्मेशन आएगा फिर मेरा नेक्स्ट लेजर बनेगा एक्साम्पल हाँ तो तो याद रखने काट हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो भी डेटा था ट्रांजेक्शन था अक्रॉस द पीपल हुई टू यूज दैट नेटवर्क ठीक है क्या इसको चेंज कर सकते हैं नहीं हैक कर सकते हैं नहीं मैनिकट कर सकते हैं नहीं तो हाउ ड ब्लॉक चेन वर्क आप लोग के लिए स्पेशली बनाया सम रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन फिर क्या होगा ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड ये अपनी भाषा में अपन लोग बोलेंगे भाई लेजर बन गया ठीक है तो से फिक्स एसेट डिपार्टमेंट वाला बोलेगा अकाउंट साइड को भाई मेरे को फिक्स एसेट्स का एंट्री पास करना है तो जो फिक्स एसेट्स तो ये है तो वो एक लेजर बना के देगा जो अकाउंट्स का हेड है तो एक लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा फिर ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क और ये फिक्सड एसेट्स का इंपैक्ट बैंक अकाउंट के ऊपर भी आएगा

एक्सपेंस uh, अकाउंट वाला बाकी सब लोग भी जो कंप्यूटर है एसेट हाँ वाले ने रिक्वेस्ट किया है और वो उधर लेजर में एंट्री मार रहा है चलो अप्रूव कर दिया अप्रूव कर दिया अप्रूव कर दिया मेजोरिटी ने सबने अप्रूव कर दिया फिर ट्रांजेक्शन विल गो अहेड तो कितना सिक्योर्ड हो गया ब्लॉक इज एडेड लेजर इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन एंड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट आई होप मेरे ये एग्जाम्पल और अंडरस्टैंडिंग से आपको चीजें काफी हद तक क्लियर होगी एटलीस्ट उतना uh, ठीक है? Had, एक का करेगा. बाकी लोग को भी यह चीज जाएगी देखो फिक्स मैनेजर ने फिक्स एसेट खरीदा है उसका इनवॉइस भेजा है उसने तो चेक कर लो तो बाकी लोग भी चेक कर लेंगे हाँ, बराबर है अमाउंट बराबर है चलो डन

कोडिंग की लैंग्वेज में वो जाएगा ट्रांजे फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड एज अ बॉक्स वन टू थ्री इसको अपन फोर डाल देंगे ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन एंड फाइनली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया समझ में आ गया यस yes, सर चल अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आया तो ये भी एक पूछ सकते हो लोग कहां कहां पे यूज होता है वेल well, एवरीवेयर अब इतना सिक्योर है इतना अच्छा है इम्यूटेबल है कि भाई कोई चेंज नहीं कर सकता शेड है लोग बार बार चेक कर रहे हैं तो चीज तो अच्छी है कहाँ कहां पर यूज हो सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज तो वहां पे यूज हो सकता है टू एंश्योर ऑटोमेटेड ट्रेड लाइफ साइकिल फिजिकल और डिजिटल यूज सच एज लैपटॉप है स्मार्टफोन ऑटोमोबाइल्स रियल एस्टेट सेक्टर में यूज हो सकता है हेल्थ केयर में अगर मेरे को देखना है कि भाई पुराना किसका क्या डेटा है तो से फॉर एग्जाम्पल दस साल पहले मैं कोई हॉस्पिटल में गया था उधर मेरा कुछ डेटा सिक्योरली सेव होगा अब वो डेटा अगर किसी को यूज करना है निकालना है डॉक्टर को तो वो देख सकता है तो वैसा है और खाली जो ऑथोराइज लोग है वही देख सकते हैं हर कोई मेरा डेटा भी नहीं हो सकता तो प्राइवेसी भी सिक्योरिटी है एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स फिर बाद गवर्नमेंट भी इसको यूज करता है तो आधार के लिए गवर्नमेंट कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज अ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो भी मेरा डेटा है वो सेव हो गया है अब उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो एक नया लेजर बन के चेंज होगा तो गवर्नमेंट के पास मेरा पुराना डेटा भी है नया डेटा भी है आज की तारीख में मेरे बीच में मेरा एड्रेस चेंज हुआ था तो गवर्नमेंट के पास मेरा पुराना एड्रेस भी है नया एड्रेस भी है एवरीथिंग इज देर फिर बाद में से रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है सब

स्टॉक ट्रेडिंग गवर्नमेंट यूज कर सकता है ट्रैवल इंडस्ट्री में इकोनॉमिक फोरकास्ट में ऑल ऑफ दीज प्लेसिस कैन यूज क्या रिस्क एसोसिएटेड है तो रिस्क एसोसिएट तो होना ही होना है एंड यहाँ पे मेरा सबसे पहला रिस्क है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिस्क इफ नो वन पार्टी इज इन चार्ज देखो मैंने एक वर्ड लिखवाया था तुम लोग मतलब नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क इज देर सो देर इज नो वन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर अपन लोग ये डाल सके सो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन अकाउंट इन ब्लॉक चेक फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी देखो बीच में है ना क्या हुआ पता है जब बिटकॉइन का सब बूम चालू था तो बीच में कुछ कुछ टाइम के लिए, कुछ के लिए लिए इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हो गया था चाइना में जहां पे ब्लॉकचेन का माइनिंग हो रहा था ब्लॉकचेन का माइनिंग हो रहा था एक कोई तो भी क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग हो रहा था एंड इलेक्ट्रिसिटी वाज गॉन इसकी वजह से इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है वहां के लोगों को जिसने वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था सो और डिपेंडेंसी है चीजों के ऊपर अंडरलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर वजह से प्रॉब्लम आ सकता है कभी वो टेक्नोलॉजी में ही टैंपरिंग कर दिया तो कुछ इनअक्यूरेट या अनरिलाल हो गया तो, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे नेक्स्ट इन एबसेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी मैंने वर्ड लिखा है डिसेंट्रलाइज कोई एक अथॉरिटी नहीं है कि भाई चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है तो सीधा कुछ हुआ गड़बड़ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप ब्लेम कर सकते हो नो देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी इन ब्लॉक तो वो दैट कैन बी अशू आई टी कंट्रोल कैन बी एन इशू एंड ब्लॉक ओवरलोड कुड पोटेंशियली चैलेंज द लेवल ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड सो बहुत ज्यादा स्कोप है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का क्योंकि डेटा रेगुलरली अपलोड हो रहा है सो डेटा अपडेशन कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है टेक्नोलॉजी इज हाई लेवल एंड देर इज नो वन पार्टी इन चार्जर टोकनाइजेशन सी टोकनाइजेशन का मतलब यार आदर टोकन वर्ड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ टोकन एज सच क्या होता है मैं बताता हूँ और कहाज होता है वो विल विल डिस्कस तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फूड ज्वाइंट पे गए आप खाना खाने के लिए अब जब आप कोई फूड जॉइंट पे खाते हो ना बॉम्बे में तो बहुत फूड ज्वाइंट होते हैं आपको पता ही होगा तो हमारे यहाँ पे फूड जॉइंट में मिलता है सेव पूरी फिर हमारे यहाँ पे फूड जॉइंट में मिलता है पूरी हाँ सर पानी मुंह में पानी आ गया लो भाई तुम्हारे लिए पानी पूरी ठीक है अब ये होती है थर्टी रुपीज की ये होता है फोर्टी रुपीज का ये होता है फिफ्टी रुपीज का ठीक है तो मैं ये फूड जॉइंट के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे को है ना सेव पूरी दे दो तो वो मुझे थर्टी रुपीज का एक कॉइन देता है और इस कॉइन का कलर होता है येल्लो ठीक है अब मैं जब दुकानदार के पास जाता हूं और बोलता हूं उसको शॉपकीपर के पास और उसको बोलता हूं येलो लो, ये कॉइन उसको दे दिया अब जब मैं ये येल्लो कॉइन उसको दे दिया ना तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको क्या चाहिए सेवी चाहिए ठीक है तो ये वर्ड है टोकन तो टोकन अपन लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डू ट्रांजेक्शन अब ये कॉइन से मैं एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पा रहा हूं वैसे ही मैंने आप लोगों को एक अभी बीच में बताया था कि समझो मैंने एक रियल एस्टेट का पार्सल लिया है ठीक है तो यहाँ फीट का जगह, है, 10 ,000 का जगह है. मेरे को चाहिए एक बनाना है, 1000 का, मेरे फ्रेंड को बनाना है पांच स्क्वायर फीट का काोकन so तो आपको एक टोकन दे देंगे हजार स्क्वायर फीट का इसको 500 स्क्वायर फीट का किसी और को 2000 स्क्वायर फीट का चाहिए तो वैसे करके टोकन आर गिवन

टोकन ले तो लिया, लिया तो मेरे पास दो टोकन आ गए तो अब मैं इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूँ so, फिर ट्रेडिंग कर सकता हूं मैं डायरेक्टली वो टोकन किसी और को दे दिया और पैसा ले लिया

ट्रेडिंग एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज बेसिकली क्या हो रहा है, पता है, क्या? जब मेरा पे जाओ, पे है ना एक टोकन ही क्रिएट हो रहा है ना ये बॉन्ड इश्यू हो रहा है तो टोकन बनाया एक करोड़ के बॉन्ड का इश्यू किया पैसा लिया और फिर उसको यूज किया बैंक को देके बैंक ने उस नया लोन दिया वो इंटरेस्ट आएगा विट विल बी पास ऑन इवेंचुअली टू द इन्वेस्टर तो बेसिकली ये एक टोकन ही तो बना है समझ में आया सो so, अब ये टोकन की वजह से क्या रहे लिक्विडिटी आ गया इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल गया अब उसको किसी को ट्रेड करना है दे कैन ट्रेड न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल गया एसपीवी को और ओरिजिनेटर को तो आपको क्या ध्यान में रखना है टोकनाइजेशन के टाइम पे टोकनाइजेशन के बेनिफिट के टाइम पे ये 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 वाला बॉन्ड्स वाला इशू तो बॉन्ड्स बना है मतलब क्या बना है लिक्विडिटी आ गया वो भाई था क्या पेपर था ये खाली पेपर ये ये खाली ये पेपर था पेपर ये पेपर अभी क्या हो गया है बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है सो लिक्विडिटी आ गया मार्केट में सो व्हाट एजेंड लिक्विडिटी बन गया मार्केट में इन टेन्जिबल एसेट्स ब्लॉक चेन के थ्रू अब एक बॉन्ड बन गया डाइवर्सिफिकेशन कर पाया इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर सकता है वो न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सिटी बैंक एंड द एस डन फिर लास्ट कॉन्सेप्ट है सिक्योरेटाइजेशन इन इंडिया दिस इज जस्ट अ जनरल कॉन्सेप्ट सिटी बैंक द ऑफ सिक्योरेटाइजेशन इन इंडिया एंड कल दिस इज जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू इंडिया में आज की तारीख में सरफेजी एक्ट है जो आप लोग लॉ में पढ़ते हो नॉन परफॉर्मिंग मैनेज करने के लिए माना बोला था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो क्रिसिल है हमारा वो क्रिसिले uh, पूरे सिक्योरिटाइजेशन मार्केट को बिकॉज इट इज अः क्रेडिट एनहेंसर भी है वो और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है सो ऐसा सो एस्टिमेट दैट सिक्योरिटाइजेशन मार्केट मे रीच नियर 1.9 ट्रिलियन वंस द मैक्रो सिचुएशन इज स्टेबलाइजिंग इट हैज बिकम अ की फंडिंग सोर्स फॉर नॉन बैंक्स हु आर लुकिंग टू ग्रो देयर लोन बुक एंड साइमल्टेनियसली इट कैन बी एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर बैंक्स लुकिंग टू ग्रो देयर रिटेल एसेट्स सो ये सबके लिए एक विन-विन सिचुएशन ही है एंड इंडियन कैपिटल मार्केट में फिलहाल इंफॉर्मेशन है आप लोग इसको रीड कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गारंटीड समझ लो आप छ मार्क के लिए आने वाला है इन दिनेशन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और बट अपन ने इसको अच्छी तरह से कर दिया है बीट द न्यू थिंग्स एडेड बीट द

चलो भाई चलो डन एंड डस्टेड विद चैप्टर नोट का सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा can, any which case, contact us, नीचे टिकर पे जो चल रहा है और कुछ एंड टाइम फॉर मीडू स्माइलिंग मजा आ रहा है तुम लोग को ये रिविजन सेशन करवाने में चीजों को बताने में एम श्योर यू आर लविंग इट एज वेल टेक केयर बाय